आज एक वर्ष हुआ है जब राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत करा था, और जिस प्रकार मुझे तो सौभाग्य मिला जब राजस्थान में प्रवेश करी यात्रा, झालापाटन विधानसभा में, मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर रायपुर के पास जब यात्रा आई थी, और जिस प्रकार मैंने वो उत्साह देखा उस दिन, डेढ़ दिन के लिए झालावाड़ जिले में थी यात्रा, मैं साथ ही था, और जो ऊर्जा और उत्साह मैंने देखा था आम जन में, विशेषकर आदिवासियों में, गरीब तबके में, वो बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि वास्तव में जो गरीब जन है, जो असहाय हैं, उन्होंने इतना विश्वास रखा है इस यात्रा को लेकर, राहुल गांधी जी को लेकर, कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा का जो संकल्प है, कि जो आम आपस में, मैंने आम जन के आपस में जो भेदभाव और ये दूरियां बन रही है, देश के हित में नहीं है और देश के अखंडता के लिए अच्छा नहीं है। आप जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा माहौल है? माहौल अच्छा है, सरकार के प्रति माहौल अच्छा है। आज का दिन, आज का जो विषय है वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर है, और उस पर आप पूछेंगे, और यदि आप राष्ट्र सुरक्षा के बारे में पूछेंगे, जो देश में सबसे बड़ा संकट है, तो वो और अच्छा रहेगा। और उसका प्रभाव मिजोरम पर पड़ रहा है, क्योंकि जो लोगों ने पलायन करा है और मिजोरम में कैंप्स में रह रहे हैं, आज के तारीख इस युग में देश में आम जन पलायन करे, आम नागरिक पलायन करे, दूसरे राज्य में जाए संरक्षण के लिए, ये तो हमने पहले सिर्फ कश्मीर घाटी में देखा था 40 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले, अब दोबारा ये हुआ है देश में। लगभग 60,000 की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं, बेघर हुए हैं, और असुरक्षा का माहौल है वहाँ, और वो भी बॉर्डर स्टेट है, तो राष्ट्रीय हित में बहुत गंभीर विषय है। सर, क्या कहेंगे, भारत जोड़ो यात्रा जो जारी है वो केंद्र सरकार की योजनाओं की विफलता को जनता तक पहुँचाने में सफल है? योजना, ये केवल योजना के बारे में नहीं है यात्रा, ये प्रेम और भाईचारा के बारे में है, कि जिस प्रकार देश में जो बिखराव हो रहा है, समाज के बीच में बिखराव हो रहा है, धर्मों के बीच में बिखराव हो रहा है, भाई भाई के बीच में, पड़ोसी के बीच में जो बिखराव हो रहा है, मैंने अपने उद्बोधन में उदाहरण दिया था कि एक गांव दूसरे गांव पर फायरिंग कर रहा है, ये कोई रॉकेट, वो दिवाली वाला रॉकेट नहीं है, ये वास्तव में राइफल है जो सशस्त्र सेना का के छीनी गई है, उन राइफलों से, उन गोलियों से फायरिंग हो रही है दो गांवों के बीच में, छः गांवों के बीच में, तीन दिन के लिए लगातार। ये ऐसी घटना, आप सच में सोचिए कि इससे ऐसी घटना देश के इतिहास में कभी नहीं हुई ऐसी। राजनीतिक गलियारों में सर चर्चा है कि कर्नल की एंट्री ने भाजपा की नींद उड़ा के रख दी। नहीं, भाजपा अगर सो रही है तो उसको उठना चाहिए, क्योंकि देश में जो हालात बिगड़े हुए हैं, उनके राज में जो घटनाएं हो रही हैं, ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई है। जिस प्रकार मणिपुर बिखर गया है, गृह युद्ध की स्थिति में है मणिपुर, और अगर वो नींद उड़े तो अच्छी बात है, अगर नींद उड़े तो। धन्यवाद।